आई थिंक कम से कम 400-500 बच्चों को ऑडिशन किया होगा. एंड देन हम क्या करते हैं, जैसे हमने बजरंगी में भी किया था, बच्चों को फिर फाइनल जो 10 होते हैं उनको लाके एक वर्कशॉप करते हैं एक महीने के लिए. और उस वर्कशॉप में फिर एक बच्चे की एनर्जी दिखाई देती है, एक विलिंगनेस टू शूट, एक किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं, क्या वो लोगों के सामने सहम जाते हैं या खुले हो जाते हैं. तो उस तरीके से आपने देखा ही है, आई मीन देयर इज नो, वंस यू सी माते देन देयर इज नो चॉइस लेफ्ट. सलमान, एक सवाल आपसे कि पहले दिन का जब शूट था मार्टिन के साथ, तो कुछ यादें हैं पहले दिन के शूट की, क्या कुछ हुआ था आप दोनों के? कुछ यादें मार्टिन पहले दिन का शूट क्या? पहले दिन का शूट की याद है? हाँ. क्या याद है? वो वाला जगह पर जहाँ पर हम उल्टी किया था. उल्टी किया था? ले हाँ? ले पर हम उल्टी किया था, सांस नहीं ले पा रहा था, गर्मी था, और अब हम कहीं पार्टी के लिए बुलाए था. पहली चीज जो मातिन ने कही थी जब सलमान से मिले थे लद्दाख में, बैठते ही बोला था कि के साथ में आप बच्चे बगैर बने बगैर नहीं रह पाते हैं. आपके साथ ही तो बच्चा बन के रहता हूँ मैं. क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं. सलमान, सेट का कुछ बताइए प्लीज. सेट का क्या बताएं? सेट का कुछ बताएं? सेट का बहुत गर्मी था और गर्मी पर हमको स्वेटर पहनाया था, और पापा को मीमी जूजू सिंदर लगा था. हाँ, तो अभी हम कबीर अंकल को रिक्वेस्ट करते हैं, कबीर अंकल एक स्टूपिड जोक सुनाएगा. ये वापस से बोलो. पापा को कौन सुंदर लगा? मीमी जूजू. और अभी आप कबीर अंकल एक स्टूपिड जोक. मतलब शुड बी क्लोजर टू स्टेज सो दे कैन ग्रैब हिम एंड रन अवे बिफोर ही स्पिल्स टू मच. When was it decided, like Shahrukh Khan will be the part of film act? Right at the beginning, when he narrated the subject to me, when Kabir narrated the subject to me, at that point of time, he said, you know, for this role, I think we should get Shahrukh. So I called up Shahrukh, and I said, "Wo ek chota sa hisa ho gaya." But that was it. He didn't let me complete the sentence. Wo tubelet ke andar ek chota sa ho gaya. And that's when Marty comes into Salman Bhai's life. So, unfortunately, the fun that they've had on the sets, I couldn't have because... Mera naam Martin hai. Mera naam hai Martin. 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 So, jab Martin set pe aaya tha kaam karne ke liye... M-A-T-I-N. Martin. 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 R-E-Y Ray. T-A-N-G-U. Martin Ray Tangu. 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 जितने स्टूपिड जोक थे सब फिल्म में चले गए, खत्म हो गया. तुमको चाइनीज आता है बोलने को? चाइनीज आता है बोलने को? Yeah, he's a lot like my younger one. He's pretty mischievous and he has lots of fun. So there were times when we went to Ladakh and I wasn't shooting, but we all shared a lot of time with him. He's all heart, as Salman Bhai said, and you know, with us shooting there, with conditions that were created. It was a complete war scenarios that were created in Ladakh and Manali. But having Martin, right? Martin ne. M-A-T-I-N. Martin. Go. Martin re tangu. Tangu. Ngu. So yeah, this is the exact kind of entertainment that we used to have. Just having him on the sets used to be, in fact, we used to call for him even when he wasn't shooting. And that's what he used to complain, that aap log mereko bulata hai, mere se shooting nahi karata hai, garmi mein, main idhar to aap log mereko sweater pehnata hai. So he used to be entertaining all the time. Martin, Sohail uncle kaise hai?
Sohail uncle. Sohail. Sohail uncle. हाँ. अच्छा है. और हमको लगता है मेरा भैया और आपको हगी करना चाहिए कैसे कैंस क्योंकि आपका पास एक चीज है जो मेरे भैया को वीडियो बनाने के लिए चाहिए था. हाँ, और वो वही है जब का हाथ पर है.